खाना ठंडा हो रहा है बेटा, आ जाओ। आई अम्मा। नरसंहार करने निकले दो भाई अनिरुद्ध और सुजीत गुप्ता ये मानकर चल रहे थे कि मंदिर की आरती की ऊंची आवाज में गीता और उसकी बच्चियों की चीखें दब जाएंगी। पर क्या गीता कभी जान पाई थी कि उसे अपने ही पति अनिरुद्ध से खतरा हो सकता है? दुर्भाग्यवश इस सवाल का जवाब है हाँ। गीता इस संभावना से वाकिफ थी कि उसे अनिरुद्ध से खतरा हो सकता है। गीता को आगाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि यशवंत मंडल था, उसके पहले पति का बड़ा भाई और उसका पड़ोसी भी। सुनिए जी, महेश भैया चल बसे, इसमें गीता का क्या कसूर है? कौन बोला कि गीता का या किसी का कसूर है? हम तो बस ये बोले हैं कि ये अनिरुद्ध जो है ये ठीक आदमी नहीं है। लेकिन काहे काहे जीजी? तुमसे कहा बताएं गीता? ये अनिरुद्ध जो है ये हमारा और महेश का फूफा का लड़का है, बचपन से देखे हैं उसको। अब उसको हम ठीक से जानेंगे कि तुम? लोग बदलते नहीं है का, और वैसे भी वो गीता को पसंद करता है। कौनो पसंद वसंद नहीं करता है, बेशरम आदमी है बेशरम। ये जो अनिरुद्ध है ना, ये कौनो न कौनो छुपा इरादा से तुमसे शादी का बात कर रहा है, और ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है और तुम्हारे बच्चों के लिए भी। जिम्मेदारी तो उठाना दूर का बात, वो कब कहाँ कर जाएगा का कौनो भरोसा नहीं। दोबारा शादी करना कौनो गलत बात नहीं, अच्छा बात, पर आदमी तो ढंग का होना चाहिए ना गीता। एक बार अपने भाई अजीत से कहो कि कौनो बढ़िया आदमी हो तो देखेंगे तुम्हारे लिए। हमसे कहो, हम और ज्योति देखेंगे कौनो आदमी तुम्हारे लिए। क्या सोचा? सबका मंजूरी होना जरूरी है अनिरुद्ध, हमरे जेठ तो तुमरे सख्त खिलाफ है। अरे तुमरे जेठ जी को मारो गोली, ये बताओ बच्चों ने क्या कहा? अम्मा अनिरुद्ध को कहा हमरे बाबूजी कैसे बन सकते हैं? बाबूजी की जगह कौन उन्हें ले सकता अम्मा? और अगर शादी हो भी गई ना तो भी मुका बाबूजी नहीं कहेंगे, हमरे तो समझ में नहीं आ रहा। अम्मा तुम दूसरी शादी काहे करना चाहती हो? जिंदगी अकेले बिताना आसान नहीं होता, तुम तीनों अभी छोटे हो, हमें भी तो सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। अम्मा तो हम बने तुमने सहारा, किसी और को विश में लाए की कहाँ जरूरत है? है बिटुआ? नहीं अम्मा, नहीं है। हमरा तीनों बच्चा लोग हमसे नाराज है, सब मना कर रहा है, कोई कबूल नहीं करेगा। अरे एक बार हमारी शादी हो गई ना तो सब कबूल करेंगे, और वैसे भी हमको कोई किसी की पड़ी नहीं है, हमको पड़ी है सिर्फ बच्चा लोग की, क्योंकि वो अब हमारी जिम्मेदारी है। सचिन देविका और पूजन की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब अब मिलके करेंगे गीता। पर सबसे बैर लेना अच्छा बात है का? तो क्या प्यार की कुर्बानी देना अच्छी बात है? हमारी तरफ से कोई राजी नहीं होगा, और तुमको क्या लगता है हमारे अम्मा और बाबूजी हंसी खुशी शामिल होंगे? एक तो वो तुम्हारा मामरा भाई महेश की विधवा है। हाँ तो क्या हो गया विधवा है तो? गीता अच्छी लड़की है, एक बार आप और अम्मा जी मिल कह नहीं लेते उससे? अरे हम तो उसका चेहरा भी नहीं देखेंगे, और तुम जो उधर गए ना तो तुम्हें भी घर से निकाल देंगे, और जो तुम हमारा नाम अपने नाम के पीछे लगाते हो ना वो वापस ले लेंगे। अरे ऐसी क्या कमी है उसमें? उसमें जौन है तौन है, लेकिन असली खोट तुम्हार बुद्धि में है, जो तीन बच्चन के अम्मा से ब्याह करने चले हो। भरी जवानी में अधेड़ हो जाओगे, किस किस को संभालोगे? अरे हम सब संभाल लेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अरे आप चुप रहिए अनिरुद्ध भैया, आपका नियत तो पहले ही से खराब था। अबे सुजीत, ऐसे आरोप लगा के का बकवास करे तुमको पता है? क्या खराबी में हमारी नियत में है? अबे जा कहाँ रहे बताओ। अबे उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सुनने की जरूरत है। अगर तुम उधर गए ना तो तुम हमारे लिए नहीं रहे। लाओ डब्बा। हम अम्मा बाबूजी के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे लिए आसान है, हमारे लिए नहीं। दुनिया चील कौवे की तरह हम पर नजर टिकाए हुए है कि कब हम फिसले और कब नोच लिया। और अगर हम ये सब आसान कर दें तुम्हें लिए तो? अब ये बात का काम मतलब हुआ? मतलब ये कि नोच खाने वाली दुनिया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने शादी कर ली। देखो
तुम्हारे तीनों बच्चा लोग के साथ अपने घर पे रहना, हम अपने अम्मा बाबूजी के साथ अपने घर पे रहेंगे। लेकिन शादी तो हमारी हो चुकी होगी, हम पति पत्नी भी हो गए होंगे, हम बच्चा लोग की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, हम हर रोज तुमसे मिलने आएंगे। क्या बोलती हो? इतना सोचो मत गीता, जिंदगी सबसे बहुत छोटी है, इतना सोच विचार के उसको और छोटी मत बनाओ। हाँ बोल दो, कितना तुमको हमारे प्यार का वास्ता है। हाँ बोल दो। प्रेम का वास्ता देकर अनिरुद्ध गुप्ता गीता मंडल पर जबरदस्त मानसिक दबाव डाल रहा था। हैरत की बात तो यह है कि वो ये दबाव गीता के विधवा होने के बाद से नहीं, पहले से डाल रहा था, जब वो अनिरुद्ध के ममेरे भाई महेश की पत्नी थी। ए गीता, ए गीता, गीता कहाँ हमरा पीछा करते रहते हो अनिरुद्ध? मधुमक्खी फूल के पीछे कहाँ जाती है गीता? गीता भौजी, गीता भौजी है हम तुम्हारी, तुम्हारे महेश भैया की धर्म पत्नी। लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश ना करना, कह देते हैं। कितनी बुरी एक्टिंग करती हो, रामलीला में तुमको कोई सीता माता का रोल नहीं देगा। तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आता है कि जितना प्यार हम तुमसे करते हैं ना, उतना प्यार तुम भी हमसे करती हो। एक बार अपने आप से सच बोल दो गीता और हमारे पास आ जाओ, हम तुमको ऐसी जिंदगी देंगे ना जो तुम जैसे सुंदर औरत का हक है। तुम तो अपने मन में ना जाने काका कहानी बना लिए हो, हमका तुम्हें कोनो दिलचस्पी नहीं है, तुम बस जाओ यहाँ से, हम शादीशुदा है। और एक बात सुन लो, हम तुम्हारे महेश भैया के साथ कोनो दगाबाजी कभी नहीं करेंगे। तुम हमारी बात सुनो, हम अब तक तुम्हारे महेश भैया को तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में कुछ नहीं बोले, कहे कि दो भाई दो परिवार वालों के बीच में फूट नहीं डालना चाहते थे। लेकिन अगर तुम हमारी जिंदगी में फूट डालने की कोशिश करोगे ना, तो हम आगे पीछे नहीं देखेंगे, सीधा जाके तुम्हारे महेश भैया को सब कुछ सच सच बता देंगे। उसके आगे जो होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं। अरे अब तो कबूल कर लो कि तुम्हें दिल में हमारे लिए मोहब्बत थी, शादी के लिए हाँ तो कह दो। अरे तुम महेश भी नहीं इस दुनिया में, तो धोखा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। महेश मंडल गीता का पति लंबे अरसे तक बीमार रहा। थक गया हूं गीता, अब तो ऊपर वाला या तो हमें ठीक कर दे या हम ऊपर बुला ले। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। ए बच्चा लोग अंदर जाओ, हमको तुम्हारे अम्मा से कुछ बात करनी है। हमको मालूम है, अंदर से मालूम है हमको। क्या बात कर रहे हैं, क्या मालूम है आपको? अब हम ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। ए सुनो गीता, अब रोना धोना नहीं, बच्चन के लिए तुमको मजबूत होना होगा। हम पूरा इंतजाम कर दिए हैं, ये घर है तुम्हारे नाम पर, दो दो ठेले हैं, मतलब जिंदगी में पैसों का खातर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तुमको ना बच्चन को। उनको पढ़ाओ लिखाओ, अपन अपन पैरों पर खड़ा करो उनको। हम सब कुछ बेच बाज कर आपके इलाज करवाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे आपको। हम तोरे और बच्चन के लिए पीछे क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं हम बताते हैं। चल बसने के कुछ ही दिन पहले महेश मंडल ने अपनी पत्नी गीता मंडल को उस संपत्ति के बारे में बताया था जो उसने गीता और अपने तीनों बच्चों सचिन, दिव्या और पूजा के लिए छोड़ी थी। गीता ने अनिरुद्ध के दबाव में आकर बिना किसी को बताए अनिरुद्ध से चुपचाप शादी कर ली थी। जब तक बाबूजी इस दुनिया में जिंदा हैं, तब तक हमें शादी को राजी रखना पड़ेगा, पर हम हर रोज तुमसे रात को मिलने आएंगे, उसकी फिक्र तुम मत करना। वो बात का फिक्र हमको कभी था ही नहीं, वो तो हम जानते तुम आओगे, पर दिन में दुनिया का सामने कब आओगे अनिरुद्ध? हमारे बाबूजी की तबीयत जो है ना एकदम खस्ता रहती है, मतलब मुश्किल से साल दो साल चलेंगे बस, उसके पहले कुछ भी बवाल हुआ ना
तो खामखा हमको जायदाद से अलग कर देंगे और हमारे पास जो कुछ भी आएगा वो देविका सचिन और पूजा का ही होगा ना। उधर शांति से पिताजी इस दुनिया से जाएंगे और हम चुपचाप तुम्हारे पास आ जाएंगे हमेशा के लिए, दिन में दुनिया के सामने, ठीक ना? इस नरसंहार का मकसद क्या था? क्या यह भयंकर साजिश उस खजाने उस संपत्ति के लिए की जा रही थी जो गीता का पति महेश मंडल गीता और उसके बच्चों के लिए छोड़ गया था, या फिर इस हत्याकांड के प्लान के पीछे कोई और ही कारण था? कटवा दिए ना नाक, कर ली शादी? अरे मजाक कर रहे हो क्या अनिरुद्ध भैया? मजाक तो बनाया बाबूजी ने हमरा, कहते हैं घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं, हम भी कह रहे हैं मतिया ना घर। अरे जब बिना शादी किए मौज कर सकते थे तो क्या जरूरत था शादी करने का? हमारी बात जरा ठंडे दिमाग से सुन तो लो, मेरा ऐसा प्लान है ना कि जिंदगी बन जाएगी। अच्छा बोलो, आओ इधर आओ। अच्छा देखो, किसी जमाने में हम गीता से प्रेम करते थे लेकिन अब नहीं करते, अब हमारे पास एक प्लान है। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे हैं। देखो एक तो बड़ा घर और ऊपर से दुगो ठेला, अच्छा चलता भी है भाई। मतलब एक तो बड़ा घर और दूठो दुकान, इसी के लिए ब्याह कर लिए गीता से? घर और ठेला तो हमारी जेब खर्चा के लिए है बस। का खजाना छोड़ गया है मैं इस बार गीता और बच्चों के नाम? तुम सुनो तुम्हारी का खजाना है? तुम हमेशा पूछती थी ना, इतना कमाया और बाकी का पैसा कहाँ गया? हम अपना बीमा उतराए थे जिसका किस्त भरने का वास्ते वो पैसा जाता था। जानती हो कि कितना पैसा का बीमा है? 18 लाख। पूरा 18 लाख मिलेगा तुमको। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना? सच्चा यही है कि अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। कल हम तुमको अपने जीवन बीमा का सारा कागज दे देंगे और सब कुछ समझा देते हैं ताकि हमारे जाने के बाद तुमको बीमा का पूरा पैसा मिले। ए, 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 समझ गए ना? ब्याज आज मिला के कुल 20 लाख लगे ससुर के हाथ। कौन बताया? वो खुद गीता बताइएगा तुमको। हाँ बे, उसके बारे में हमको अभी से सब पता है, हमारी बीवी है बे। तो तुम इस चक्कर में हो कि तुम ब्याह किए हो तो घर ठेला और 20 लाख रुपया सब अंदर कर लोगे? हाँ बिल्कुल, और सारा पैसा का पूंजी बना के हम लोग अपना खुद का धंधा शुरू कर सकते हैं। हम मतलब? हम लोग माने तुम और हम तुम। तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि घर ठेला और रोकड़ा सब अपने नाम कर लोगे? अरे दूध बात है क्या, बेवकूफ हो गए हो? अरे महेश सब गीता के नाम पर करके गया होगा। जो गीता हमारे नाम कर देगी, पति है उसके, इतना हक तो बनता ही है हमारा। और नहीं की तो? नहीं की तो करवा लेंगे। कमीने हो तुम, माला माल हो जाओगे तुम। है तुम नहीं,
हम और पैसे से हम लोग ऐसा धंधा शुरू करेंगे कि गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाएंगे। अब गीता और बच्चे? अब गन्ने का रस चूसने के बाद चूसा हुआ गन्ना जेब लेके थोड़ी घूमेंगे, सूख देंगे। जब तक गीता को अनिरुद्ध के असली इरादों के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गीता ने अपने बस में हर मुमकिन तरीके से अनिरुद्ध की चालाक कोशिशों को मात दी। देविका और पूजा सजन के साथ मेला देखने गए का? हाँ, कहे? नहीं, हम बोले हम घुमा लाते हैं तो हमारे साथ जाने के लिए मना कर देती ना, और हमको काका काका कहते रहते, बाबूजी नहीं बोलते, इतने हमको कब अपनाएंगे? थोड़ा बखत दो, नाजुक उम्र है। और तुम तो हमको पूरी तरह दिल से अपना लियो ना, या तुम भी बच्चों की तरह ऐसे ही? कितने तुम्हारी जो खामोशी है ना, ये छुरा की तरह चुभती है हमको। सवाल ही आसान किए हो, शादी की है तुम्हारे संग भगवान को साक्षी मानकर, और उसी भगवान के मंदिर में हम भी कसम खाए थे कि तुम्हें और तीनों बच्चा लोग की जिंदगी भर जिम्मेदारी उठाएंगे। गीता, वक्त आ गया है कि घर दोनों ठेला हमारे नाम कर दो। काहे? ये पैसा और जमीन जायदाद जो कुछ भी है सब हमारी जिम्मेदारी है ना, तुम्हारे खाता में जितना पैसा है ना वो सब हमारे खाता में डाल दो, हम सब दिमाग से पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, तुम बस आराम करो और जिंदगी का मजा लो। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे, पर काहे? क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हारे पति हैं भाई। देखिए कैसे जानवर की तरह मारा है वो। हम बोले थे ना तुमसे, बोले थे ना पहले कि वो आदमी का नियत ठीक नहीं है। गलती हो गई हमसे, जो हो गया सो हो गया। अब बिना देर किए तलाक दो उसको, शादी का रजिस्ट्रेशन किए हो ना? कहाँ, बस मंदिर में सात फेरे लिए थे पुजारी और भगवान जी के सामने, तो अपने सगे भाई अजीत भैया को भी नहीं बोले कि मेरी शादी हो गई, वो भी अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बोला है। एक तरह से ये ठीक भी है कि शादी का कोई सबूत नहीं, कम से कम कानूनी तौर पे वो तुमको अपनी पत्नी तो नहीं बोल पाएगा। तो अब दूर करो सारे को, तोड़ो सारा रिश्ता नाता, पर एक बात का ध्यान रखो, अपना जान का हिफाजत करो और अपने बच्चा लोग का हिफाजत करो, उस ससुरा कौनो हद तक जा सकता है। बिना सर्टिफिकेट के तुम बैलगाड़ी भी नहीं चला सकते, और शादी शादी तो जीवन की रेलगाड़ी है। अच्छा, तो अगर सर्टिफिकेट पेश करें तो क्या मिलेगा हमको? जाली सर्टिफिकेट होगा तो सजा मिलेगी, असली होगा तो इंतजार मिलेगा। इंतजार मतलब समझे नहीं। आपकी पत्नी भगवान की दया से स्वस्थ है, जवान है और सारे जायदाद की मालकिन है, अब खुदा न खास्ता कुछ होता है तो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, वरना उनके बुढ़ापे और देहांत तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अगर सर्टिफिकेट ना हो तो? अरे भाई अभी वही बात तो कर रहे थे कि नहीं होगा तो क्या होगा, अब दोबारा मत पूछना। तो वकील साहब, अगर सर्टिफिकेट ना हो तो क्या मिलेगा हमको? ठेंगा, ठेंगा मिलेगा। आपकी पत्नी के देहांत के बाद सारी जायदाद बच्चों को चली जाएगी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे जान ले लो, हम शादी के रजिस्ट्री नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपने पैर पे कुल्हाड़ी जरूर मारे लेकिन अपने गले में फंदा नहीं डालेंगे। तुम्हारा कमीनापन हम देर से पहचाने लेकिन दुरुस्त पहचाने। वो मंदिर में शादी शादी नहीं थी, फरेब फरेब, और हमारी कमजोर घड़ी की सजा शिक्षा। तुम हमरा कुछ नहीं लगते हो तो लाखों की भूतनी लातों से भी नहीं मान रही। मानना तो पड़ेगा, बहुत मेहनत किया हमने और हम अपनी मेहनत इसे बर्बाद नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं ना भैया। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि रास्ते में चार कांटे हैं और चारों को एक साथ साफ करना पड़ेगा। गीता, सचिन, देविका और पूजा, इन चारों को मारना ही पड़ेगा, तब जाके सारा माल मेरा हो पाएगा। मेरा? ये हमारा से मेरा कैसे हो गया? अबे कानूनी तौर पे मेरा, वैसे तो हमारा ही है। तो कितना तुम्हारा कितना मेरा है? कितना चाहिए तुमको? पहले वाला हिसाब नहीं होगा। अब ये रोटी का एक टुकड़ा दे दिए बाबूजी से बात छुपाने के लिए कि शादी होगी तुम्हारी गीता से। रोटी का कितना बड़ा टुकड़ा चाहिए तुमको? मैं रोटी बीच में से फटेगी, आधा तुम्हारा आधा मेरा। लालच ने इंसानियत का गला काटा। एक ऐसी साजिश रची गई जिसमें बड़ी क्रूरता बड़ी निर्दयता से सुजीत एक माँ और उसकी दो मासूम बच्चियों के गले काटने वाला था। आरती शुरू हो चुकी थी, सुजीत गीता के घर में दाखिल हो चुका था और गीता ने उसे देख भी लिया था।
बस अब आरती के शोर में नरसंहार होना बाकी था। क्या बात है सुजी, और ये चोरन की तरह अंदर कहाँ आ रहे हो? क्या है? क्या वो काम हो गया? हाँ, काम हो गया है। तुम्हारा हाथ बहुत कट गया है, कोई बात नहीं, अब जाइए, हम संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, अभी तुम किसी डॉक्टर के पास मत जाना, घर में जाना, इस पर हल्दी लगा के पट्टी कर लेना, ठीक है? अभी सचिनवा बाकी है। सचिनवा के देखते हैं, वो थक गए, दिमाग सुन हो गया है, थोड़ा आराम कर लेते। और चक्कू कहाँ है? और तुम्हारे भूषण कहाँ है? चक्कू नदी में फेंक दिए, भूषण में भी खून लग गया था, उसको भी नदी में फेंक दिए। एक काम करो, तुम जाओ, हम इसके आगे के देखते हैं। गीता, हे गीता, यशवंत भैया, यशवंत भैया, हे यशवंत भैया, यशवंत भैया, यशवंत भैया, कहाँ है अनिरुद्ध? यशवंत भैया कहाँ है? कोई बात है? कहाँ हुआ? यशवंत भैया, गीता और तीनों बच्चे कहाँ हैं? घर में होंगे, नहीं तो बाहर होंगे, हमको क्या पता वो लोग कहाँ हैं? अरे बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहे, कोनो जवाब नहीं मिल रहा हमको। सो रहे होंगे, नहीं तो बाहर होंगे। लेकिन कोनो सोने का समय थोड़ी ना है। तो बाहर होंगे। अगर बाहर जाते तो कम से कम दरवाजे पे ताला लगा के जाते ना, दरवाजा अंदर से बंद है। हमको काहे बता रहे हो ये सब? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है भैया, चलिए देखिए ना क्या माज रहा है। हम काहे आए भैया, तुम्हारा मामला है तुम समझो। वैसे भी हमको नींद आ रहा है, हमारा सोने का समय। अब देखो, हमको तुम्हारे साथ आना ही नहीं है। चलिए सुनिए तो, चलो यशवंत भाई बात तो सुन लीजिए। यशवंत भाई सुनिए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत हुआ है? क्योंकि साहब, हम गीता के घर पे वापस आए, उसका दरवाजा खटखटाए, और सब कई बार खटखटाए मगर हमको कोई जवाब नहीं मिला। इतने दिनों में ऐसा पहली बार हुआ साहब। और गीता के जेठ ऐसे बगल में रहते हैं साहब, हम उनके पास गए, उनको कहे कि दरवाजा अंदर से बंद है, आप पता नहीं कहाँ आ रहा, चलिए देखिए, तो अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं, मतलब आने से इनकार कर दिया साहब। तो फिर क्या किया तुमने? फिर हमने सर आपको फोन लगा दिया तुरंत। सर पिछले आधे घंटे से हम दरवाजा खटखटा रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है, दरवाजा अंदर से बंद है सर। सिन्हा तोड़वाओ। क्या हो रहा है? पुलिस दरवाजा तोड़ रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हटो तो हटो। आप रुकिए, कुछ बखेरा खड़ा हो जाएगा, आप समझते का है नहीं? बाजू वाला घर यशवंत मंडल का है। हाँ सर, यशवंत का है। नहीं 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 साहब, नहीं साहब, हम डर गए थे साहब। दो मासूम बच्चों और एक औरत का कत्ल करने के बाद कैसा डर यशवंत मंडल? नहीं साहब, हम तो एक चूहा भी नहीं मारे हैं अभी। हाँ साहब, गीता गीता इनके छोटे भाई महेश की पत्नी थी, वो बच्चे भी उनसे ही थे साहब, ये काहे मारेंगे साहब? वो तो हम यशवंत जी से पूछेंगे, वो भी पीट पीट कर। पहले ये बताइए सचिन कहाँ है, मतलब उसकी लाश कहाँ है यशवंत मंडल? क्या कह रहे हैं साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है साहब। सचिन तो वहाँ दिव्यपुर में हॉस्टल में पढ़ता है साहब, हमको कुछ नहीं मालूम साहब। कुछ तो जरूर मालूम है यशवंत मंडल, एक तो तुम अनिरुद्ध के साथ गए नहीं, तीन तीन मर्डर को लेकर लोगों की नींद उड़ गई थी, मरने वाली औरत तुम्हारे मरहूम भाई की बीवी थी, दोनों बच्चियां तुम्हारी भतीजियां थी, और तुम घर से बाहर ही नहीं निकले।
हम रोके थे साहब, हमको लगा कि कोई कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए साहब। तीन तीन लाशें बेच गई और अब बखेड़ा खड़ा होने की बात कर रही हैं? नहीं साहब। शर्मा गीता हाँ भैया, आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। अच्छा सुन, अरे तुम एक काम करो, जल्दी से दिव्यापुर पहुँचो, सचिनवा का काम खत्म करो। कि पुलिस को पता चल गया है कि सचिनवा दिव्यापुर में है। इससे पहले कि पुलिस जाए उसको बचाए, तुम उसका काम खत्म करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आप, हमको पुलिस बुलाई है, हम जा रहे थाने, वो उनको बयान चाहिए हमारा। ठीक है, अभी तुम देर मत करो, निकलो, जाओ जल्दी से। ठीक है, बोल रहे आप सर। बेटा मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि तुम्हारी अम्मा और दोनों बहनों का कत्ल कर दिया गया है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना होगा, शिवनाट पुलिस स्टेशन। बड़ी ही शातिरता से अनिरुद्ध ने यशवंत को इस केस में संदिग्ध बना दिया था। अब जिम्मा यशवंत पर था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करता है। अनिरुद्ध की वजह से गीता के लिए यशवंत को जिस बात का डर था वो बात सच हो गई। दूसरी तरफ एक और षड्यंत्र पंख फैला रहा था। आप मारिए पीटिए, कुछ भी कीजिए साहब, जो बात हमको मालूम है नहीं है साहब, वो जुबान पे कैसे आएगी साहब? तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हमें मालूम है कि तुमने गीता और बच्चियों को क्यों मारा? मालूम है क्यों? वो एक चीज जो हर दूसरे जुर्म की जड़ में होती है, और वो है पैसा। नहीं साहब, नहीं। महेश ने जो कुछ गीता के नाम पर रखा था तुम उसे हड़पना चाहते थे। हम नहीं साहब, वो अनिरुद्ध ऐसा करना चाहता था, तुम्हें वो गीता चाचा ने किया था, आप उसको गिरफ्तार करो। एक नंबर का है वो, हमको पहले से ही डर था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। हम गीता को आगाह भी किए थे। साहब यशवंत की पहले से बुरी नजर थी हमारी गीता पे, ये बात हमको गीता ने खुद बताया था। पिछले दिनों महेश भैया के जीवन बीमा का पैसा मिला था ना 20 लाख, उसको हड़पने के चक्कर में था। लेकिन उसका तो कुछ और ही कहना, कि सिर्फ पैसे के लिए तुमने चुपचाप उससे शादी कर ली और बहुत मारते पीटते तो तुम उसे, ताकि घर पैसा ठेला सब कुछ तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। हे भगवान, हे इंसान, ये यशवंत इस हद तक गिर जाएगा हम कभी सोच भी नहीं सकते साहब। भगवान कसम, हम कभी अपनी गीता को पैसे के लिए मारे ना तो हमारी जबान कट जाए साहब। प्यार करते थे साहब हम उसको, और वो भी हमसे करती थी। और साहब चुपके शादी इसलिए किए थे क्योंकि वो तीन बच्चों की अम्मा थी, समाज में लोग हम पे उंगलियां उठाते, हम काफी खुश थे साहब और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यशवंत से हमारी खुशियां देखी नहीं गई, उसका सारा पैसा सारा प्रॉपर्टी खुद के लिए चाहिए था साहब। और तुम्हें लगता है कि सारे खून यशवंत ने किए हैं? बिल्कुल किए होंगे साहब, वो एक नंबर का झूठा फराडिया है, आप उसके भोली सुनो तो बर्ताव में मत जाइए साहब। और उसके साथ उसका कोई साथीदार भी होगा साहब, और हमको तो डर है कहीं कहीं वो अपने सचिन के साथ भी ऐसा कुछ ना कर दिया। भैया, ओ गार्ड भैया। हाँ हाँ हाँ, जरा सचिन मंडल को बुला दीजिए ना। आप कौन हैं? हम चचा हैं उसके, ओ यशवंत मंडल हमारे दोस्त हैं। गांव में बहुत अनर्थ हो गया है, उसकी अम्मा और दो बहनों का कत्ल हो गया है। हाँ मालूम है हमको, फोन आया था सचिन मंडल को, बहुत रोता था बेचारा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बुला दीजिए ना, अब उसको काका के पास ले जाएंगे। अरे वो तो रात 11 बजे के बस में बैठ के ही चला गया, जब भी फोन आया था वार्डन साहब खुद ही गए थे उसको बस में बिठाने के लिए। अरे भैया जल्दी चलाओ यार, बच्चा अकेले बस में होगा, उसकी तो हालत खराब हो गई होगी अम्मा और बहन के बारे में जानकर। जल्दी चलो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, जल्दी चलाओ। साहब आपको लगता है कि मेरी बहन गीता का और उसके दो मासूम बच्चियों का कत्ल यशवंत ने किया है? लगता तो ऐसा ही है, यशवंत अभी कुछ कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन गीता के घर से खून के धब्बे सीढ़ियों से होते हुए उसकी छत तक जाते हैं और वहां से सीधे नीचे उसके घर तक। बीमा का पैसा, घर, दो ठेले,
इन चीजों के लिए यशवंत ने मेरी बहन गीता का उसके दो मासूम बच्चियों को मार डाला। अभी तक तो यही कारण लग रहा है इस ट्रिपल मर्डर का। वैसे आपकी बहन गीता ने जो अनिरुद्ध से चोरी छुपे मंदिर में शादी की थी उसके भी खिलाफ था यशवंत। क्या गीता ने अनिरुद्ध के साथ शादी की थी? आपको ये बात नहीं मालूम थी? नहीं साहब, हमको नहीं मालूम था और गीता ने भी इस बारे में एक शब्द भी मुझसे नहीं कहा। हेलो अनिरुद्ध भैया, मिला क्या? काम हुआ? नहीं नहीं मिला, काम नहीं हुआ। अरे हमारे पहुंचने से पहले ही उसको खबर लग गया था और वो बस पकड़ के घर निकल गया। कोई बात नहीं, इस वक्त कहाँ हो तुम? घर के पास ही है। ठीक है, तुम घर जाओ, थोड़ा आराम करो, हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे, फिर सोचते क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ठीक है। तुम दोनों सचिन को मारने का भी प्लान कर रहे थे ना? तुझे क्या लगा था सचिन को मार कर तुम्हें बाकी तीन मर्डर से मुक्ति मिल जाएगी? सचिन, 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 सचिन। अजीत मामा, ये किसने किया मेरी अम्मा और बहनों के साथ? बेटा, पुलिस को शक है कि ये सब तेरे यशवंताओं ने किया है। वो हमारी हिरासत में बेटा, हम उसे सब कुछ उगलवाएंगे। लेकिन यशवंताओं ऐसा क्यों करेंगे? बेटा, अनिरुद्ध ने पुलिस को बताया कि यशवंत वो बीमा के पैसों के पीछे पड़ा था जो तुम्हारी अम्मा को मिला था तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद। नहीं नहीं, यशवंत ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है क्या लगता है सचिन? सर, कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध काका हमारे हॉस्टल आए थे हमें लेने, और वो भी माँ को बिना बताए। क्या? जी सर। सचिन वक्त पर पुलिस स्टेशन पहुंचा और फिर पोस्टमार्टम रूम पर, और वहां पुलिस को सब कुछ बता पाया। उसने बताया पुलिस को कि किस तरह अनिरुद्ध से उसे खतरा था और किस तरह अनिरुद्ध उसे लेने आया था। लेकिन उस वक्त उस मासूम 13 वर्षीय लड़के को मालूम भी नहीं था कि असल में अनिरुद्ध का कितना भयंकर प्लान था। पहले अनिरुद्ध को तोड़ा गया और फिर उसको सुजीत के साथ बात करने के लिए कहा गया, और जब सुजीत ने कॉल किया तब पूरे जुर्म का खुलासा हुआ। सुजीत गुप्ता है घर पे? हो रहा है, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अरे कहां घुसे चले जा रहे हैं? अरे उनको रोकिए ना। क्या हुआ? अरे कौन है? क्या हुआ? आप काहे पीछे पड़े हमारे बेटे के? पुलिस को बहुत ही कम समय और मेहनत लगी सुजीत की जुबान खुलवाने में। उसने भयंकर नरसंहार की पूरी प्लानिंग पुलिस के सामने रख दी। अनिरुद्ध भी पुलिस की थर्ड डिग्री को सहन नहीं कर पाया और उसने कबूल कर लिया उस सारे ढोंग को, उस प्यार और शादी के नाटक को जो उसने गीता से सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी हटने के लिए किया था। फिर उसने पुलिस को अपना प्लान भी बताया कि किस तरह वो सारा जिम्मा यशवंत पर डालने के बारे में सोच रहा था। यशवंत को रिहा कर दिया गया लेकिन वो बुरी तरह से हिल गया था, उसे लगभग आरोपी ठहरा ही दिया गया था। यशवंत मंडल और उसका परिवार रिहाई के दूसरे ही दिन घर और वो गांव छोड़कर दूसरी जगह बस गए ताकि उन पर कोई उंगलियां ना उठे। एक पूरी तरह से टूटे और हारे हुए सचिन ने अपनी अम्मा और दोनों बहनों का अंतिम संस्कार कर दिया। सचिन फिलहाल अपने मामा अजीत की देखरेख में है। हमको तो एक लंबे अरसे से लग रहा था कि हमारा अनिरुद्ध पगला गया है, बहुत कड़वा हो गया। हमको तो लगता है ये अनिरुद्ध ने कहा है सुजीत को। अनिरुद्ध सुजीत से ना कहता तो अनिरुद्ध खुदा ये भयंकर काम किसी और से करवा लेता।
अनिरुद्ध सुजीत से ना पूछता तो सुजीत किसी और के लिए ये खून वून कर देता। सच्चाई तो यही है कि हमारा दोनों बेटा शैतान निकले, क्या हमें कोई कमी थी? परवरिश में हमारे खून में हर कदम पर इशारे मिल रहे थे कि अनिरुद्ध के मन में बहुत बड़ा खोट है। इसके पहले लक्षण तब नजर आए थे जब उसने अपने ममेरे भाई महेश के जिंदा रहते हुए भी उसकी पत्नी गीता पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। महेश के देहांत के बाद गीता को कई बार वार्निंग्स मिली थी अपने जेठ यशवंत मंडल से, लेकिन खुफिया शादी के बाद गीता की खुद समझ में आने लगा था कि उसने गलती की है। लेकिन जरूरत थी कि गीता अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत का इंतजाम करती। काश अनिरुद्ध द्वारा हिंसा की पहली घटना के तुरंत बाद गीता ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की होती, क्या पता सजा के डर से अनिरुद्ध बेहतर पेश आता, या शायद इस हद तक जाता ही नहीं। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी, गीता को यह बात समझ में आई, लेकिन अपनी बच्चियों पूजा और देविका के बचाव का इंतजाम करने के पहले ही तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। गीता, देविका और पूजा की कोई गलती नहीं थी, वो बस एक आदमी के लालच की हदों से अनजान थी। इस बात से अनजान थी कि वो शॉर्टकट द्वारा दौलत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अनिरुद्ध और सुजीत को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है और दोनों भाई फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। गीता की सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति को उसके बेटे सचिन के नाम कराए जाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हर कोई और कोई भी बुरे से अच्छा बन सकता है, बस उसे अवसर मिलना चाहिए कि उसे लोगों का भरोसा मिले। पर एक बार कोई भरोसा तोड़ता है, विश्वासघात करता है, फिर दूसरी बार करता है, फिर एक लाइलाज बीमारी बन जाती है दगाबाजी, और हर गले मिलने वाले को पीछे से छुरा खोपने की आदत हो जाती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।